बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे क्या होते हैं? मेनली ब्लड वेसल और पंपिंग जो सिस्टम होता है उसका बना होता है। जैसे ह्यूमन बींग में क्या होता है, हार्ट होता है पंपिंग सिस्टम, तो जो ब्लड वेसल अगर पेरेंट है तो उसे कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। अगर ब्लड वेसल किसी माइक्रो किसी ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट है ब्लड वेसल, तो उसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। तो मेनली ब्लड वेसल ओपन और क्लोज बनाता है। मान लो ओपन होएगा तो उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होएगा। तो सर्कुलेटरी पाथ होता है टू टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। जो ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम वो आर्थ्रोपोड और मोलस्क में होता है, इन विच ब्लड पम्प बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल इन टू ए ओपन स्पेस। तो इसमें ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी में ब्लड जाएगा तो उसे कहते हैं ओपन। एनेलिड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होएगा। पंप ब्लड इज पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। तो मेनली एनालिट के बाद जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी पाथ होएगा। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज एज फ्लो ऑफ फ्लूड मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो क्लोज में ज़्यादा प्रिसाइज होता है जो ब्लड को रेगुलेट करना। अब पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या होता है। मेनली ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या होगा, हार्ट होएगा पंपिंग और कौन करेगा, ब्लड वेसल से फ्लो होएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी को कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल। तो क्लोज्ड वेसल होएगी इसमें और फ्लूड विच इज सर्कुलेट, जो ब्लड होएगा उसे कहते हैं फ्लूइड कहेंगे। और ये फ्लूइडिक होता है जो ब्लड, वो कहाँ होगा, ब्लड वेसल के अंदर होएगा। हार्ट क्या होता है, मेसोडर्मल ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। जो जर्म लेयर होती है अपनी, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म, तो ये मेसोडर्म जर्म लेयर से बनता है। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। हार्ट बीट इज हर्ड ऑन द लेफ्ट साइड इज वेंट्रिकल आर ऑन द लेफ्ट साइड। तो मेनली राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा जो इसका एपेक्स होता है उससे हार्ट बीट सुनते हैं, और जो ये मेनली मेनली लेफ्ट साइड में होएगा ये हार्ट बीट। तो ये हार्ट ऐसे पंप करता है और ब्लड को फ्लो करता है। जो एक अपनी बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर का साइज होता है हार्ट का, जो इट हैज साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट मतलब जो अपनी मुट्ठी होती है वो बंद होती है उसके साइज का होता है। और ये मेनली क्या होता है, डबल वॉल का होता है। इसकी दो दो वॉल होती है और इसकी जो बाहर की लेयर होती है इसको अपन, ये डबल वॉल की होती है और इसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम तीन में डिवाइड होती है, एपिकार्डियम मीसोकार्डियम एंडोकार्डियम। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इंक्लूडिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम डबल वॉल होती है, जैसे अपने लंग में प्लूरा पड़ा था ऐसे ही हार्ट में पेरिकार्डियम होती है, और इसके दोनों बीच में पेरिकार्डियम डबल वॉल होगी और ये दोनों बीच में क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम डिवाइडेड इंटू एपिकार्डियम मिडल मायोकार्डियम इनर एंडोकार्डियम। तो ये तीन में डिवाइड कर देते हैं पेरिकार्डियम को, एपी मायो और एंडोकार्डियम। इसमें मेनली क्या होता है, चार चैम्बर का हार्ट होता है। इसमें दो एट्री आएंगे, दो वेंट्रिकल होते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज़ फोर चैम्बर, लिटरली स्मॉल अपर चैम्बर का एट्रिया और टू लार्जर लोअर चैम्बर का वेंट्रिकल। तो दो एट्री आएंगे ऊपर और दो वेंट्रिकल होंगे। ये अगर हार्ट है तो अगर मान लो पेरिकार्डियल जो फैट होता है उसको हटा देते हैं, जो इसमें जो मेनली क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है वो एंटीरियर होता है, स्टर्नम के जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल होता है। तो नॉर्मली इसकी पोजिशन हार्ट की ऐसे होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो मेनली पीछे की तरफ चला जाता है। येलो ऑरेंज जो बना हुआ है मेनली ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये ज़्यादातर पीछे की तरफ जाता है, तो आगे की तरफ ज़्यादा क्या होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो एपेक्स बनता है वो किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। और जो राइट वेंट्रिकल के ऊपर है वो क्या, राइट एट्रियम बनाएगा। राइट एट्रियम एक पार्ट होता है, राइट ओरिकल कहते हैं उसे। तो राइट एट्रिया क्या होता है, राइट वेंट्रिकल के ऊपर। इसमें क्या होता है, सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में खुलती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर होएगा पार्ट वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया, और इसका एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है लेफ्ट ओरिकल। तो लेफ्ट एट्रिया होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर और राइट वेंट्रिकल के ऊपर होगा राइट एट्रिया। और जो राइट एट्रिया से ये जो है ये आयोटा है, आयोटा कहाँ से खुलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो इसकी ओपनिंग होती है आयोटा की वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। और ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से खुलता है, राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से खुलेगा, राइट वेंट्रिकल से। तो अब जो अपन क्या देखेंगे, ओपनिंग है जो राइट पल्मोनरी ट्रंक की वो होती है राइट वेंट्रिकल से, जो एओर्टा की ओपनिंग होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से।
तो इसमें चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, थिन मस्कुलर वॉल होती है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। एट्रिया के बीच में जो वॉल होगी उसे कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट और लेफ्ट के बीच में। और थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है वो वेंट्रिकल के बीच में। जो एट्रिया के बीच में वो एट्रियल सेप्टम है, जो दो वेंट्रिकल के बीच में वो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, वो थिक वॉल होता है। तो जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम थोड़ा थिक होता है वेंट्रिकल के बीच में, और जो एट्रिया के बीच में सेप्टम होता है वो थोड़ा थिन होता है। तो दोनों के बीच में सेप्टम होता है, याद रखना। इंटर एट्रियल जो सेप्टम होता है उसमें एक, जब अपना फीटस होता है तो उसमें क्या होता है, एक ओपनिंग होती है इन दोनों के बीच में, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है इंटर एट्रिया सेप्टम में, और उसे कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो जैसे जैसे एडल्ट होता है, मैच्योर होता है, वो भर जाती है ओपनिंग, और वो क्या बना लेते हैं, कि डिप्रेशन बना लेते हैं, उसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। इन फीटल हर्ट, फोरामेन ओवेल इज एन ओपनिंग इन द इंटर एट्रियल सेप्टम विच इज क्लोज्ड इन एडल्ट एंड डिपेंडेड बाय ओवल डिप्रेशन का फोसा ओवेलिस। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में एक फोरामेन ओवेल होता है, छेद होता है छोटा सा, वो क्या होता है, मैच्योर होने के साथ साथ वो बंद हो जाता है, डिप्रेशन की बना लेता है, और इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। और ऐसे ही क्या होता है, एक आयोटा और जो पल्मोनरी आयोटा होता है पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, यहाँ पे कनेक्शन होता है। इन एम्ब्रियोनिक पीरियड ब्लड वेसल कॉल्ड डक्टस आर्टियोसिस, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे कहते हैं डक्टस आर्टियोसिस। और वो ब्लड लेके जाता है पल्मोनरी आयोटा इन टू द सिस्टमिक आयोटा। तो पल्मोनरी जो ट्रंक है उसे पल्मोनरी आयोटा कहते हैं, और वो सिस्टमिक आयोटा, जो सिस्टमिक आयोटा होता है उसकी तरफ ब्लड लेके जाता है डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद बंद हो जाता है, और उसे कहते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम। एक चीज रखना, आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टियोसिस क्लोजली लीविंग ए रेमनेंट कॉल्ड लिगामेंटस आर्टियोसम। तो डक्टस आर्टियोसिस क्या बनता है, लिगामेंटम आर्टियोसम बनाता है। जो एट्रिया वेंट्रिकल होते हैं इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम होता है, लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम होएगा, राइट एट्रिया वेंट्रिकल के बीच, उसे कहते हैं एट्रिया वेंट्रिकल सेप्टम। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइबरस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। तो ये एक सेप्टम होएगा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होएगा। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड कनेक्टेड। जो एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है वहाँ पे एक ओपनिंग होगी, वो किससे गार्डेड होती है, उसके बीच में एक वॉल्व होती है। जो वॉल्व होती है एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट साइड भी होगी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट साइड भी होगी राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। जो ये वॉल होती है माइट्रल वॉल, ये क्या होती है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है। जो ये माइट्रल वॉल होती है ये किस तरफ होती है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है ये होती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और ये क्या होती है, कस्प होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेनली कस्प की तरह होती है। जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसमें क्या होगी, कस्प की तरह होगी ये। तो माइट्रल वॉल होएगी लेफ्ट साइड में और ट्राइकस्पिड वॉल होएगी राइट साइड में। तो माइट्रल वॉल होएगी बाई वॉल्व होती है। जो माइट्रल वॉल होती है दो ही वॉल्व होंगे, और जो ट्राइकस्पिड है तीन है, ट्राइकस्पिड है तीन वॉल है, जो ट्राइकस्पिड है तीन वॉल है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई वॉल्व फॉर्म थ्री मस्कुलर फ्लैप और कस्प ट्राइकस्पिड वॉल। तो तीन कस्प के बने होते हैं मेनली, वो क्या होता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो अपन ने क्या देखा, जो तीन कस्प के बने हुए हैं वो क्या है, जो तीन कस्प हैं ये एक दो तीन, ये क्या बना था ट्राइकस्पिड। माइटर वॉल में क्या होता है, दो कस्प होते हैं, बाई कस्प होते हैं माइटर वॉल, और ये ट्राइकस्पिड के तीन कस्प। और बाई कस्पिड वॉल माइटर वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। तो माइटर वॉल होती है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बाई कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड में तीन कस्प होते हैं। ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। और जो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आयोटा, रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमिलूनर वॉल। तो पल्मोनरी ट्रंक का जो आयोटा होता है वो भी अपने अपने जो वेंट्रिकल से खुलते हैं वहाँ पे भी क्या होती है, वॉल्व होती है। तो जो ये क्या है, ये है ये मेनली आयोटा की वॉल्व है, सेमिलूनर होती है, और ये पल्मोनरी ट्रंक की वॉल्व है ये भी सेमिलूनर होती है। तो जो ये पल्मोनरी ट्रंक से आती है ये भी क्या होती है, सेमिलूनर वॉल्व होती है। जो आयोटा की वॉल होती है ये भी क्या होती है, सेमिलूनर होती है।
तो अपन ने क्या देखा, जो ओपनिंग होती है आयोटा पलमेटरंग की, उनमें भी वॉल्व होती है सेमी लूनर, और जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है उनकी भी वॉल्व होती है। तो याद रखना, जो सेमी लूनर वॉल्व होती है पलमेटरंग ट्रंक पर आयोटा में होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है 3 कस्प की और 2 कस्प की। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, दैट इज एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड द फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा। दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, मतलब कि मान लो कोई ब्लड आता है सुपीरियर वीना इन्फीरियर में राइट एट्रिया में, तो राइट एट्रिया में कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, तो उल्टा नहीं होगा, पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ना कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में जाएगा। तो हमेशा वन डायरेक्शन होएगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक। ऐसे ही पल्मोनरी अगर वेन से आता है ब्लड लेफ्ट एट्रिया में, तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, उल्टा नहीं होएगा। अगर उल्टा होएगा तो पैथोलॉजी कहेंगे उसे। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, तो पूरे हार्ट में कार्डिक मसल होएगा। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, तो जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ये ज़्यादा थिक होती है कंपेयर टू एट्रिया की वॉल। तो वेंट्रिकल की वॉल को पुश करना होता है ब्लड आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक को, तो इसलिए उसकी वॉल थिक होती है एट्रिया से। और इसमें क्या खास होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है राइट वेंट्रिकल से कंपेयर तो ज़्यादा थिक होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ज़्यादा थिक होती है, इंपॉर्टेंट। थिकेस्ट वॉल इज फाउंड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। इन द वॉल ऑफ द हार्ट कार्डिक मसल आर पैरेंट विच आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, तो कार्डिक मसल की जो मसल होती है वो खुद कंट्रोल करती है अपने आप को, इनवॉलेंट्री होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती, खुद ही अपने आप में कंडक्शन करती है। और स्ट्राइटेड मतलब इसमें क्या होगी, बीच बीच में वॉल होएगी, जो सेल होएगा उनके बीच बीच में वॉल होएगी, न्यूक्लियस सेपरेटेड होते हैं वॉल से। स्पेशल रेड मस्कुलर कॉलम ऑफ द वेंट्रिकल वॉल इज कॉल्ड पेपिलरी मसल, तो इसमें क्या होगा, पेपिलरी मसल होएगी। तो ये छोटी जो पेपिलरी मसल है ये यहाँ पे होएगी, वेंट्रिकल है ये मेनली पेपिलरी मसल होएगी यहाँ पे वेंट्रिकल में। तो जब कॉर्नल सेक्शन देखते हैं अपन हार्ट का, तब अपने को हार्ट में क्या देखने को मिलता है, ये पेपिलरी मसल है, ये सारी पेपिलरी मसल है। पेपिलरी मसल क्या है, ये वाली, तो पेपिलरी मसल के ऊपर टेंडाई होते हैं, उसे कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी, तो ये होते हैं कॉर्डी टेंडिनी, तो ये कॉर्डी टेंडिनी होते हैं पेपिलरी मसल के ऊपर, जो किससे कनेक्ट करते हैं, ट्राइकस्पिड और माइटल वॉल से। तो कॉर्डी टेंडिनी क्या करते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल को खींच के रखते हैं, तो ये क्या करते हैं मेनली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को खींच के रखते हैं कॉर्डी टेंडिनी, तो जिसके कारण बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड एट्रिया के ऊपर ज़्यादा नहीं जाती, ये क्या रखती है, कंट्रोल में रखते हैं कॉर्डी टेंडन है, बाकी स्पीड और ट्राइकस्पिड वॉल। तो स्पेशल रेड मस्कुलर कॉलम ऑफ द वेंट्रिकल वॉल इज का पेपिलरी, तो कुछ मस्कुलर वॉल रेज हो जाती है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, उसे कहते हैं पेपिलरी मसल। कॉर्डी टेंडन आई आर टेंडन ऑफ द पेपिलरी मसल विच आर अटैच टू द फ्लैप्स ऑफ द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, तो ये जो कॉर्डी टेंडन है होते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल से अटैच होते हैं, पेपिलरी मसल से ही निकलते हैं। कॉर्डी टेंडन आई प्रिवेंट द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फ्रॉम कोलेप्सिंग बैक इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल कंटेक्ट करता है तो इससे वो ब्लड कहाँ जाना चाहिए, आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक पे, पर वो प्रेशर की वजह से जो ब्लड अगर मान लो एट्रिया में कैसे जा सकता है, अगर जो वॉल्व है ऊपर की तरफ चल जाए एट्रिया, तो वो नहीं जाने देता, वो प्रिवेंट कौन करता है, कॉर्डी टेंडन ही प्रिवेंट करता है ऊपर जाने से वॉल्व को। ऑल वॉल्व ऑफ द हार्ट प्रिवेंट एनी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, तो वॉल्व क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आगे सिस्टमिक आर्टरी में। फेलियर ऑफ हार्ट वॉल्व टू ओपन फुली इज कॉल्ड स्टीनोसिस, अगर वॉल मतलब खुलेगी नहीं और ये एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा तो उसे कहते हैं स्टीनोसिस। और फेलियर ऑफ हार्ट वॉल्व टू क्लोज फुली तो उसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंट, मान लो कि वॉल्व बंद ही नहीं हुई और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में बैक फ्लो हो गया, तो उसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंस। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पे एसए नोड होती है, तो एक एसए नोड होती है राइट एट्रिया में, और ए वी नोड होती है वो भी होती है राइट एट्रिया में, वो होती है बेस के राइट एट्रिया में, उसके बाद यहाँ पे निकलेगा उसका ए वी बंडल, वो क्या बनाएगा धीरे धीरे बंडल ऑफ हिज, और क्या होगा, दो में डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट में, आगे जाके क्या बनेगा, परकंजी फाइबर्स। तो ये मेनली क्या होते हैं, एस ए नोड ए वी नोड ये क्या होते हैं मेनली कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं।
तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर का ही बना होता है एस नोड और ए वी नोड। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम इज कॉल्ड एस नोड। तो एस नोड कहाँ होता है? राइट एट्रियम है। और हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम द एस नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। तो एस नोड को अपन पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरिजिनेट जो हार्ट बीट होती है वो कहाँ से होती है? एस नोड से होती है। एस नोड इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट बीट शुरू होती है उसे कहते हैं हार्ट ऑफ द हार्ट एस नोड। एस नोड इनिशिएट्स ईच कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट। तो हर एक हार्ट बीट होती है उसे कौन ओरिजिनेट होती है? वहाँ से एस नोड से। और अपन ने क्या देखा? एक और नोड देखी थी वो कहाँ होती है? राइट एट्रियम होती है लेफ्ट कॉर्नर में। तो एक छोटी सी एक और नोड होगी ए वी नोड, वो कहाँ होगी? राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर में होगी और उसे अपन कहेंगे ए वी नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम कॉल्ड ए वी नोड। एट्रियोवेंट्रिकल नोड ए वी नोड सेप्टम के पास होती है इसलिए कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ए बंडल और नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकल बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द ए वी नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकल बंडल निकलते हैं ए वी नोड से, तो ये जो ए वी नोड है उससे एट्रियोवेंट्रिकल बंडल निकलेंगे विच पासिस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकल। फिर वो कहाँ आ जाएंगे? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम आएंगे। जो इंटरवेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है वहाँ पे आ जाते हैं डिवाइड इनटू राइट और लेफ्ट। तो ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होकर आगे परकंजी फाइबर बना देते हैं। तो ए वी नोड से क्या निकलेंगे? ए वी बंडल। एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम में ही रहेंगे वो। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में आते ही वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करके परकंजी फाइबर आगे चले जाएंगे। दीज ब्रांचेज गिव राइट टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकल मस्कुलेचर और द रिस्पेक्टिव साइड कॉल्ड परकंजी फाइबर। तो जो ये बंडल ऑफ हिज है ये आगे क्या बनाएगा? ये मेनली क्या बनाएगा? प्रकंजी फाइबर, जो लेफ्ट और राइट साइड में जाके। प्रकंजी फाइबर स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर लोकेटेड इन द हार्ट। तो ये मेनली प्रकंजी फाइबर कहाँ होते हैं? हार्ट में होते हैं। दिस फाइबर अलॉन्ग विद द राइट और लेफ्ट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिज। तो ये सारे लेफ्ट और राइट बंडल क्या कहते हैं अपन? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज डिस्कवर्ड बाय विलहम हिज इन 1890। तो विलियम हिज के नाम से बंडल ऑफ हिज कहते हैं इसे। तो जी नोडल टिश्यू होते हैं ऐसे नोड का खास बात क्या होती है? ये एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, एक्साइटेबल हो जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। मतलब कि बाहर से कोई नर्व नहीं आएगी इसको स्टिमुलेट करने के लिए। ऐसे नोड अपने आप स्टिमुलेट होते हैं और ये आगे क्या करते हैं? कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक्शन पोटेंशियल देते हैं। तो नोडल जो मस्कुलेचर होता हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबल। तो ऑटो एक्साइटेबल मतलब अपने आप एक्साइट होते हैं, कोई बाहर से स्टिमुलाई नर्व नहीं आती और ये एक्शन पोटेंशियल अपने आप देते हैं, जनरेट करते हैं। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए माइन्यूट मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल एस नोड का अलग होगा, ए वी नोड का अलग होगा, तो अलग अलग पार्ट पे प्रकंजी फाइबर का अलग होगा, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगा। हार्ट रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। और याद रखना जो एनिमल छोटा होगा उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा एलिफेंट होएगा उसका सबसे कम होएगा। तो जितना बड़ा एलिफेंट होएगा उसका हार्ट रेट कम होएगा। इन जनरल लार्जर एनिमल है स्लोअर हार्ट रेट। इन स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स शूज एंड रोडेंट्स आर द हार्ट रेट गोज हाइयर 80 to 1000 पर मिनट। जैसे ह्यूमन का होता है 72 पर मिनट, तो इनका होता है 800 to 1000। अब देखते कार्डिक साइकिल क्या होती है। मैमिलियन हार्ट इज मायोजेनिक नेचर, मेनली मसल का बना होता है मैमिलियन हार्ट। वन हार्ट बीट वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन कार्डिक मसल इज कार्डिक साइकिल। तो वन हार्ट बीट को क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल। और वो कैसे बनती है? एक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होने पे एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होती है और उसे कहते हैं एक हार्ट बीट पूरी होना। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन का डायस्टोल। तो याद रखना जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कहते हैं सिस्टोल और जब रिलैक्स करता है उसे कहते हैं डायस्टोल। तो हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। अब तो कांटेक्ट किया है, अभी रिलैक्स करेगा। तो कांटेक्ट और रिलैक्सेशन चलती है इसमें। तो कांटेक्ट करते हैं उससे सिस्टोल कहेंगे, जब रिलैक्स कर रहे हैं वापस से उससे डायस्टोल कहेंगे। और कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो एट्रिया भी सिस्टोल करेगा, डायस्टोल भी करेगा, वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा, डायस्टोल करेगा। तो ये सब कुछ मिला के क्या बनाती है? कार्डियक साइकिल बनाती है। इफ द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट ऑफ ए पर्सन इज 75 बीट पर, देन ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल 60/75 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड कैसे निकालिए? कि जब पूरी अपने 1 मिनट में कितनी देखी है? अपने 1 मिनट में अपने की 70 बीट्स, तो अपने पर मिनट देखी है अपने को 75 तो टोटल है, और 1 सेकेंड में कितनी हुई? वो हुई
60/75। तो अपने को पर सेकंड देखनी है, एक पर सेकंड में कितनी बीट हुई। तो अगर पर सेकंड में 0.8 होती है तो कार्डियक साइकिल भी कितनी है, 0.8 सेकंड। तो अपने को मान लो किसी का हार्ट रेट 60 है, तो 60 हार्ट रेट है तो 60 तो सेकंड हो गए डिवाइडेड बाय 60, तो 1 सेकंड होगी कार्डियक साइकिल, 1 सेकंड होगी। किसी का 90 हार्ट रेट है 60 तो सेकंड होगी, 90 नीचे हार्ट रेट होगा पर मिनट, तो 60/90। तो ऐसे क्या हो जाएगा, उसका कार्डिक साइकिल निकाल देंगे अपन। देर आर फोर फेजेज इन द कार्डिक साइकिल। पहला होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कहता है टू बिगिन विद ऑल फोर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्सेड। तो जॉइंट मतलब दोनों, एट्री और सिस्ट, डायस्टोल में रिलैक्सेशन, दोनों रिलैक्स हैं उसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। एज द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन वीना कैवा फ्लोज इन टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन और वीना कैवा फ्लो होता है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब समझते हैं ये जो क्या चक्कर है इसका। जो वीना कैवा होती है सुपीरियर इन्फीरियर वीना कैवा, वो कहाँ खुलेगी, वो खुलेगी राइट एट्रिया में। और राइट एट्रिया में अगर ट्राइकस्पिड वाल्व खुली है तो राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और जो पल्मोनरी लेफ्ट एट्रिया में खुलती है और मिट्रल वाल्व ओपन है तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तो डायस्टोल में क्या होता है, ऑल चैम्बर आर रिलैक्सेड देयर जॉइंट डायस्टोल एज ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। ये क्या होगी, पल्मोनरी वेन होती है, याद रखना। जो वेन नॉर्मली वेन में तो कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर पल्मोनरी जो वेन होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक्सेप्शन होती है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होएगा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होएगा। नॉर्मली वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होते हैं। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वीना कैवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट और राइट एट्रिया। तो राइट और लेफ्ट एट्रिया के थ्रू राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन है। सेमीलुनर वॉल होती है जो एओर्टा और पर्मनेंट ट्रंक की होती है, वो क्लोज होती है एट दिस स्टेज। तो डायस्टोल होता है जब क्या होता है, मेनली दो जो सेमीलुनर वॉल होती है वो क्लोज होती है। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल स्टेज बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व वॉल्व होती है, ये क्या होती है, ओपन होती है वाइल सेमीलुनर वॉल आर क्लोज। तो याद रखना जॉइंट डायस्टोल जब रिलैक्स होएंगे सारे तो ये भी जो वॉल्व होगी एट्रियो वेंट्रिकल वाली वॉल्व वो तो ओपन होगी, जो एओर्टा और पर्मनेंट ट्रंक वाली वॉल्व सेमीलुनर वो क्लोज होगी। एट्रियल सिस्टोल अगली जो फेज आती है एट्रियल से, एस ए नॉट नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रियल टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल सिस्टोल। तो इसमें क्या होता है, एस ए नॉट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया को, तो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी एट्रिया, तो उसे कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड बाई इन टू द वेंटिकल बाई 30%। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एट्रिया से वेंटिकल में ब्लड और ज़्यादा जाएगा। उसके बाद आता है वेंटिकल सिस्टोल। एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंटिकल साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल, फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हीट ट्रांसमिट द ब्लड थ्रू द एंटायर वास्कुलेचर। इसमें क्या आएगा, एस ए नोड से अब कहाँ जाएगा, ए वी नोड, ए वी नोड से बंडल ऑफ हीट, बंडल ऑफ हीट से परकंजी फाइव, परकंजी फाइव वेंटिकल कॉन्टैक्ट करेंगे, उसे कहते हैं वेंटिकल सिस्टोल। दिस कॉजेज वेंटिकल वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट, मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज वेंटिकल सिस्टोल। और एट्रिया क्या हो जाएगा इसमें, एट्रिया क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे उस टाइम, उसे कहेंगे एट्रियल डायस्टोल कंसाइडिंग विद द वेंटिकल सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तब भी एट्रिया क्या करते हैं, डायस्टोल करते हैं। जो एट्रिया और वेंट्रिकल का वो सिस्टोल और डायस्टोल अलग अलग होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। जो एट्रिया वेंट्रिकल वॉल थी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, वो क्लोज हो जाएगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू अटेम्प्ट अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन टू द एट्रिया। तो इससे क्या होगा, जो बैक फ्लो होगा वेंट्रिकल से एट्रिया वो रुक जाएगा वॉल क्लोज होने से। एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमिलुनर वॉल, जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाली वॉल्व है, सेमिलुनर वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड। तो ये क्या करती है, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी को और लेफ्ट साइड में एओर्टा को गार्ड करती है, ओपन हो जाती है अलोइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दिस वेसल इन टू द सर्कुलेटरी पाथवे। जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक से जाएगा, ना कि एट्रिया में जाएगा। तो सेमिलुनर वॉल से क्या होगा, गार्ड करती है एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को। ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बिकम क्लोज एंड सेमिनर वॉल्व आर ओपन। तो याद रखना सेमिनर ओपन हो जाते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल में, तो ब्लड फ्लो कहाँ करेगा, ये करेगा एओर्टा में करेगा।
द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंटिकल, द वेंटिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन रिलैक्स। वापस से क्या होगा, वेंटिकल कॉन्टैक्ट करेंगे और डायस्टोल में चले जाएंगे, एट्रिया और दोनों वेंटिकल से कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। सून एसए नोट जनरेट न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट डिस्क्राइब अवर रिपीटेड इन द सीक्वेंस प्रोसेस कंटिन्यू। जिससे एसए नोट वापस से एक एक्शन पोटेंशियल देगा, एट्रिया कॉन्टैक्ट होंगे, उसके बाद वेंटिकल कॉन्टैक्ट होंगे, एट्रिया वापस रिलैक्स में चले जाएंगे, फिर दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और ये साइकिल बार बार चलती जाएगी। इसे कहते हैं कार्डिक साइकिल। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेटिव का कार्डिक साइकिल। तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को कहते हैं कार्डिक साइकिल। कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंटिकल। तो इसमें क्या होता है, सिस्टोल दोनों का आएगा, एट्रिया का भी होगा, वेंटिकल का भी होगा, डायस्टोल भी, सिस्टोल वेंटिकल दोनों का आएगा कार्डिक साइकिल में। तो याद रखना सिस्टोल डायस्टोल दोनों एट्रिया और वेंटिकल का देखते हैं। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। अगर मान लो हार्ट बीट 72 पर मिनट है, अपनी कार्डिक साइकिल भी कितनी हुई है, 72 टाइम्स हुई है, तो 60/72 कितने सेकंड हो गए वो निकाल सकते हैं अपन कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन। इट कुड बी डिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, 60/72 को डिवाइड करके अपन ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट क्या होता है। मेनली कार्डिक आउटपुट क्या होता है, पूरा ब्लड 1 मिनट में कितना पंप किया हार्ट ने जो एओर्टा में किया, उसे कहते हैं हम कार्डिक आउटपुट। 1 सेकंड में कितना पंप किया उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है ये कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में गया, उसे कहते हैं 1 मिनट में जाएगा तो कार्डिक आउटपुट, 1 सेकंड में देखेंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज का स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डिक साइकिल क्या होती है, पर सेकंड में निकालते हैं अपन, सेकंड देखते हैं कार्डिक साइकिल 1 सेकंड कितनी में हुई, उसके बाद अपन ये देखें कितने अमाउंट ऑफ ब्लड गया 1 सेकंड में। अगर उसी साइकिल में ब्लड जाता है 70 ml तो उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियो। तो 1 मिनट में कितना ब्लड हो गया उसे कहते हैं, मेनली हार्ट रेट को कहते हैं कार्डिक आउटपुट। तो कितना ब्लड 1 मिनट में गया और कितना एक कार्डिक साइकिल में गया, एक कार्डिक साइकिल में कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो कार्डिक आउटपुट होता है पर मिनट, एवरेजेस होता है उसका 5 लीटर इन द हेल्दी इंडिविजुअल। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो पर हार्ट बीट पे है, पर कार्डिक साइकिल में कितना पंप हुआ इंटू हार्ट रेट, 1 मिनट में कितने हार्ट कार्डिक साइकिल हुई, हार्ट रेट हार्ट बीट हुई। अगर मान लो स्ट्रोक वॉल्यूम 40 है, एक हार्ट बीट में इतना ही गया 40 गया, और अपनी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 42, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml पर मिनट कार्डिक आउटपुट आएगा। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल द हार्ट रेट। तो बॉडी में एबिलिटी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट को चेंज करने की, देयरफॉर कार्डियो आउटपुट भी अपन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियो आउटपुट एथलीट मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डनरी मैन। तो एथलीट का कार्डियो आउटपुट ज़्यादा होता है एक ऑर्डनरी मैन से। ड्यूरिंग ईच कार्डियो साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच इज इजिली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। इसमें क्या होता है, जो अपन स्टेथोस्कोप में साउंड सुनते हैं हार्ट पे लगा के, वो क्या होता है, मेनली जो सेमिलनर वॉल्व और ये एवी वॉल्व होती है वो क्लोज होती है, उस टाइम हार्ट बीट सुनाई देती है। जब एवी वॉल्व क्लोज होगी अपनी वेंटिकल्स के टाइम, वेंटिकल जब अपना सिस्टोल में होता है तब एवी वॉल्व क्लोज हो जाती है तो साउंड सुनेगी, और जब सेमिलनर वॉल्व आयोटा पल्मोनेट्रंक वाली वो वॉल्व जब क्लोज होती है तब भी हार्ट साउंड सुनती है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब लब की आवाज़ आएगी इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं उसे कहते हैं लब। सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनते हैं, जब क्लोजर होता है सेमिलनर वॉल्व। तो एओर्टा वाले जब वॉल्व क्लोज होती है तब क्या सुनेंगे अपन, दूसरी हार्ट साउंड, उसे कहते हैं डब। दीज साउंड्स आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्नल। इससे का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है कि ये साउंड सही सुन रही है नहीं सुन रही, इससे पता लगता है वॉल्व काम कर रही है नहीं कर रही ढंग से। थैंक यू।